नमस्कार दोस्तों, सेंट चोल्स टाइम से मैं हूँ कोमल और आज हम पहुँचे हैं जी नदी किनारे के पास छठी मैया का खास ये आयोजन जो भक्तों की तरफ से किया गया है वो देखने के लिए और खास उसको शूट करने के लिए, क्योंकि कहते हैं अपने मन की मनोकामना के साथ छठी पूजा की जाती है, दुर्गा पूजा की जाती है और 4 दिन का ये व्रत होता है और ये व्रत बहुत ही कठिन होता है। सभी जितनी भी गृहिणी होती हैं वो सभी इस व्रत को 4 दिन लगातार भूखे पेट रह करके व्रत करती हैं, जो आज हम आपको दिखा रहे हैं सेंट चोल्स टाइम्स में और साथ ही में करेंगे किसी न किसी से बात। सो बने रहिए सेंट चोल्स टाइम्स में। सालों भर हम वेट करते हैं, 4 दिवस से पर्व होता है, पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना और तीसरे दिन सज्जा घाट, और शाम के टाइम हम सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, फिर उसके बाद फिर घर जाके सुबह मॉर्निंग की तैयारी करते हैं अर्घ देने की। ये इसके सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत माना जाता है, इसको एक तरह से तपस्या कहते हैं। औरतें 48 घंटे का उपवास रखती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। कहते हैं सभी पर्व मान्यता माने प्राप्त होते हैं, क्योंकि अगर हम मानते हैं तो सब कुछ है, नहीं मानते हैं तो कुछ भी नहीं है। छठी मैया के साथ जो आपके वचनबद्ध होते हैं इस व्रत में, 4 दिन का ये व्रत रहता है, भूखे पेट ये व्रत रखती हैं सभी गृहणियाँ और सभी अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए और अपने बच्चों की सुख शांति कामना के लिए व्रत रखती हैं। व्रत रखना बहुत ही बड़ी बात है और व्रत को स्पेशली निभाना उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है। बहुत कठिन व्रत होता है ये छठी मैया का व्रत,
होते, लेकिन फिर भी औरतें इस व्रत को संपूर्ण करती हैं। तो छठी मैया इनकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। सो आज ये आज का व्रत था छठी मैया का व्रत, तो हम भी हमारी तरफ से छठी मैया को नतमस्तक करते हैं अपनी तरफ से, कि कहते हैं जो भी कुछ मांगो तो आपको मिलता है। बने रहिए सेम सोल्जर टाइम्स में। मैं हूँ कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ।